हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हौशरानी मार्केट को, जो लगभग बंजारा मार्केट के जैसी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हौशरानी मार्केट पहुँचने के लिए आपको मालवीय नगर मेट्रो के गेट नंबर 3 से उतरना होगा और लगभग 100 मीटर की वॉक के बाद आप हौशरानी मार्केट पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ 2 या 3 मिनट की ही वॉक होगी। इस मार्केट में आपको बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, और अगर ये आप बड़ी शॉप से भी खरीदें तो आपको कॉस्टली ही पड़ेंगे। लेकिन इस मार्केट में आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। जैसे ये हाथी वाला था तो ये 100 रुपीज़ में मिल रहा था, और ये उल्लू वाला जो डेकोरेटिव आइटम था ये आपको 280 में मिल जाएगा, और यहाँ पे इन पे बार्गेनिंग भी हो सकती है। बर्ड थी, इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ ही था, और यहाँ पे कप वगैरह थे, ये इनके भी अलग अलग प्राइजेस थे। यहाँ पे आपको कप की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, जो 50 रुपीज़ से 250 तक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई एक आइटम है तो किसी शॉप में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी शॉप में सेम आइटम का प्राइस बहुत ज़्यादा कम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे शॉप नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे शॉप वाले का नाम होता है। तो एक शॉप है, ये शायद नरेश की शॉप थी, नरेश नाम से शॉप थी, और यहाँ पे आपको बुद्धा के और बहुत सारे स्टैचूज़ मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे स्टैचूज़ थे, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो यहाँ पे जो भी बुद्धा जी की मूर्ति थी वो 400-500 से स्टार्ट थी और 850 तक थी। यहाँ पे ये विद स्टैंड भी मिल रही थी, विदाउट स्टैंड भी मिल रही थी। यहाँ पे जैसे गणेश जी की मूर्ति थी, ये 750 की आंटी मुझे बता रही थी, ये विद स्टैंड 1300 की पड़ रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी और उनके अलग अलग प्राइजेस थे, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन में फ्लावर पॉट भी थे, जो छोटे वाले थे वो 250 के, 300 के थे, जो मीडियम साइज़ वाले थे वो 450 या 500 के थे, और जो सबसे बड़े वाले थे वो 750 में थे। बाकी कुछ इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम थे, जिनके प्राइस 600 से 850 तक के थे, ये पेयर में थे, तो इन पे बार्गेनिंग हो रही थी। और ये जो बोट शेप में है, इसका प्राइस मुझे आंटी ने 200 बताया था। तो ये वाली जो शॉप है, ये नरेश नाम से है, और ये प्रेस इनक्लेव स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट पड़ती है। अगर आपको कोई इस तरीके का सामान यहाँ पर ख़रीदना है तो आप यहाँ पर आइए और एक्सप्लोर कीजिए। इसी शॉप में आपको विंड चाइम्स का बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, ये जो दिख रहे हैं। इसके अलावा भी और भी आंटी के पास अलग अलग कलर में बहुत सुंदर सुंदर विंड चाइम्स थी, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको 180 से लेके 250 के बीच में मिल जाएगी। अगर आप 2-3 पीस खरीदते हैं तो ये आपको और भी सस्ते में मिल जाएगी। और ये वाले जो कैंडल फ्लोटिंग और प्लांटर थे, ये आपको इजीली 200 और 300 के बीच में मिल जाएगी। इन पे भी अच्छी खासी बार्गेनिंग हो रही थी। तो आगे चलकर आपको इस मार्केट में मदन लाल नाम से शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मिल जाएंगे। ये वाले जो प्लांट आपको दिख रहे हैं, ये वाले 100 से लेके 150 के बीच में थे, और ये विदाउट प्लांट जो ये पॉट थे, छोटे वाले 40 रुपीज़ के थे और बड़े वाले 100 रुपीज़ के थे। ये जो स्टैंड था ये आपको 250 का मिल जाएगा, और इस पर बार्गेन भी हो रही थी। इसी वाली शॉप में आपको बड़े वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 550 से लेके 850 के बीच में था, और ये इनके साइज़ के अकॉर्डिंग था। हैंगिंग फ्लावर वाले आइटम 200, 250, 300, 350 तक के मिल रहे थे, और ये जो छोटे वाले फ्लावर पॉट थे ये 150 से लेके 350 तक इनका प्राइस था। इनमें अलग अलग प्लांट का प्राइस अलग अलग था। ये जो घोंसले थे, ये छोटे वाले 200 और बड़े वाले 250 के थे। यहाँ पे फ्लावर की सिंगल सिंगल जो स्ट्रिक थी वो भी मिल रही थी, यहाँ पे ये 200, 250 अलग अलग इनके प्राइस थे। ये ऐसे वाले ग्रीनरी आइटम जो ऑनलाइन आजकल बहुत चल रहे हैं, इनका भी प्राइस यहाँ पे 400, 450 और 500, 550 का था। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन में बेल मिल रही थी, और इन बेल में सिंगल अगर आप लेते हैं तो आपको 150 की देंगे, और 450 में 12 बेल आपको मिल जाएंगी।
इसी शॉप में ये बकेट्स भी मिल रही थी जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, छोटी वाली 60 की और बड़ी वाली 80 की थी। यहाँ पे पिंजरे भी थे जो छोटे वाले 200 के और बड़े वाले 250 के थे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पॉट मिल जाएंगे, ये राउंड वाले स्क्वायर राउंड वाले से महंगे थे। तो ये जो राउंड वाले हैं ये 200 से 450 तक के थे, और ये जो स्क्वायर राउंड में है ये आपको 200 से 350 तक के बीच में मिल जाएंगे। ये डेकोरेशन स्टोन भी यहाँ पे मिल रहे थे, इसमें वाइट मल्टी कलर और ये ब्लैक कलर में मिल रहे थे। ये 80 रुपीज़ के 1 kg थे, तो अगर आपको ये पसंद है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसी शॉप में इन्होंने ये स्टैंड का प्राइस मुझे 350 या 400 बताया था। और ये बड़ा वाला जो फेक प्लांट था ये विद पॉट 600 और विदाउट पॉट 400 का उन्होंने मुझे बताया था। तो आगे चल के दूसरी शॉप में ये डेकोरेटिव आइटम जो थे ये देखने को मिले। ये जो दिए थे ये सिंगल पीस 60 का था और पेयर 120 का मिल रहा था। इस पर भी 5-10 रुपए की आप बार्गेन कर सकते हैं। और इस तरीके से ये शुभ लाभ जो मिल रहे थे ये 80, 60, 100 तक के थे। और ये मिट्टी के जो ये जो टेराकोटा टाइप के जो कप थे ये 100, 120, अलग अलग इनका प्राइस था। ये जो था इसका प्राइस 70 रुपीज़ था। यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम थे जो 200 से 250 तक के थे। ये बुद्धा जी सबसे छोटे वाले 100 के थे, और उसके बाद 180 के, और सबसे बड़े वाले 200 और 220 के थे। यही आपको आर्चिस वगैरह में 500, 600 तक के पीस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। यहीं पे राधा कृष्ण जी भी मिल रहे थे, और ये अलग अलग कलर में थे। ग्रीन कलर में था, गोल्डन कलर में था, और ये सिल्वर कलर में जो ये पाउडर ब्लू है ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये उन्होंने 400 या 450 का मुझे बताया था। और ये जो सन वाला आइटम है ये उन्होंने मुझे 300 से 450 के बीच में कलर के अकॉर्डिंग बताया था, और इस पर भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो रही थी। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ इस तरीके के ये पेयर में डेकोरेटिव आइटम मिल रहे थे जो 350, 450 के मिल रहे थे। ये डिज़ाइन और कलर के अकॉर्डिंग इनका प्राइस अलग अलग था। तो यहाँ पे एक ये बर्ड थी जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और अंकल इसे क्लीन करके लाए थे और इसके अंदर उन्होंने पानी भरा था, तो इसे बजाने पर चिड़िया जैसे चहकती है वैसी आवाज़ आ रही थी। ये तो फेंक देगा पर। इसी शॉप में कुछ ऐसे करके ये छोटे बाउल और बड़े बाउल भी थे। ये छोटे वाले का प्राइस 70 और ये जो बड़े वाले थे ये 150, 180, 200, 250 अलग अलग प्राइस इनके थे। तो इनकी शॉप में काफ़ी कुछ था, और इनकी जो शॉप थी वो अश्विनी टेराकोटा के नाम से थी। 150 ये 100 की, 150 का, वो 250 का। यहाँ पे आपको आगे चलकर ये मिट्टी की विंड चैम्स वगैरह मिट्टी के बर्तन वाली शॉप्स मिल जाएंगी, और उसी के आगे आखिरी में आपको ये अगर बर्ड्स वगैरह लेनी हो या फिर खरगोश या यहाँ पे फिश वगैरह लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस मार्केट में मुझे प्लेट्स थोड़ा कॉस्टली लगी क्योंकि ये 150 की सिंगल पीस दे रहे थे और इसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं हो रही थी। अगर आप मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो उस तरफ से दूसरी या तीसरी शॉप पड़ती है जिसका नाम है बालाजी क्रॉकरी। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ में कप अवेलेबल हो जाएंगे जिनके डिज़ाइन बहुत अलग अलग हैं, और यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव आइटम और पॉट भी आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। और ये ब्राउन वाले 150 वाले 150।
70, 100 ठीक है। तो इस शॉप में ऐसे कुछ डेकोरेशन के यूनिक आइटम भी थे, आपको इस शॉप में ज़रूर आना चाहिए, एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।